तो कैसी कट रही है? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आ गए हैं बीसलपुर के मेले में, और यहाँ से आप आज की जो अपडेट देख रहे हैं वो है झूले वाले एरिया की। तो अभी जो आपका बड़ा वाला झूला है वो आधा तो कंप्लीट हो चुका है और आधा रह गया है। मैंने पिछली लास्ट वीडियो में भी यही बोल दिया था कि झूला आधा कंप्लीट हो गया। बाकी मेले की एक नई अपडेट ये है कि अगर इस बार आप मेला देखने आते हैं, इस बार झूले पर आपको नहीं झूलना है, क्योंकि इसमें करंट आता है। इसकी कोई भी पुष्टि नहीं है, आपके बच्चे इस पर सेफ नहीं है। तो इस बार आप कोशिश करें कि इस झूले पर आपको नहीं झूलना है। बकाया पीछे दोनों झूले हैं, उन पर आप झूल सकते हो और खूब मस्ती कर सकते हो। पूरे झूले कंप्लीट हो चुके हैं। इधर फोटो वाले एरिया से जैसे ही आप एंटर करेंगे तो येलो कलर का ये ट्रेन वाला झूला, नीचे वाला, इस पर नहीं झूलना है। ऊपर वाले की पूरी सेफ्टी है, इस पर अर्थ आ रहा है, अभी एक बच्चे का करंट लग चुका है, ऐसा मेरे सुनने में आया है। इस बात की मैं पूरी पुष्टि नहीं करता हूँ। तो जब भी यहाँ झूलें तो पूरी सुरक्षा के साथ झूलें, ठीक है? बाकी आप बड़े वाले पर झूलें नो प्रॉब्लम, उस पर झूलें नो प्रॉब्लम। तो चलिए आइए इसी के साथ देखते हैं बैक कैमरे से यहाँ का व्यू। हमारे जो भैया फ्रंट पर बैठे हैं, इनका कहना है कि कल से ये वाला झूला आपका शुरू हो जाएगा, नाव वाला। आप बस आसमान में जाएंगे, फिर ज़मीन पर आएंगे, फिर आसमान में जाएंगे, फिर ज़मीन पर आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर रहना ज़मीन पर ही, लेकिन कुछ देर के लिए आनंद ले सकते हैं। हमारे बड़े भैया लाइट फिटिंग पर डटे हुए हैं। इनकी ये छोटी छोटी मेहनत ही हमें मेले में बड़ी बड़ी खुशियाँ दिलाती हैं। आप देखेंगे ये वाला पूरा कम्प्लीट हो चुका है, बस यहाँ लाइटिंग का काम रह गया है। ये हमारा नाव वाला झूला है और उधर वो बड़ा वाला। चालू होने का इंतजार हो रहा है, जल्दी से मेला है। हाँ, हम तो दोनों चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं, मेला भी चालू हो जाए और झूले भी। फिलहाल मेला चालू हो या ना हो, जैसे ये झूले चालू होते हैं हमारे यहाँ का पूरा बिजनेस। देखो बच्चों की हालत क्या हो गई। अरे यहाँ आपके लोगों की मेहनत ही, मतलब हम लोगों को छोटी छोटी खुशियाँ दिलाती हैं। हम लाओ आते इसी बात पर। आप कहाँ से हो? कहाँ से? सीतापुर से। मतलब इन्हीं के साथ में रहते हो हमेशा? हमेशा। अच्छा, चलो लगे रहो, बढ़िया। तो इधर से हम इधर भी आ चुके हैं। ये ट्रैक बने हुए हैं दो, एक उधर उस साइड है और एक उस साइड। यहाँ देखेंगे आप, टोटल नीचे लाइटिंग का ही काम चल रहा है। हमारे एक भैया फ़ोन पे भी मस्त है सामने, और एक भैया हमारे काम में बिजी हैं, ताकि ये जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो और झूला शुरू। बड़ा वाला कब शुरू हो जाएगा? 21 को चला देंगे, 21 को बड़ा वाला, ये वाला जो झूला है ये चल जाएगा। मैं नहीं जाऊँगा ऊपर, लेकिन मैं किसी ना किसी को भेज दूंगा, आपको ऊपर से व्यू दिखवाऊँगा। मुझे बहुत डर लगता है। सर आप ही से पूछ लेते हैं, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। चलिए तो बात करते हैं इधर की। तो मैं हर दिन दिखा रहा हूँ, इधर आधा काम कंप्लीट हो चुका है। हो गया। कब से चालू कर देंगे? परसों चालू हो जाएगा। पक्का? परसों मतलब 22 तारीख में। अच्छा, 22 तारीख में पूरा खड़ा कर देंगे। आना देखना जरूर। अच्छा। तो कैसी कट रही है? बार बार मैं यही बात बोल देता हूँ, कैसी कट रही है। तो आप पीछे देखेंगे कि ये जो ब्रेकिंग डांस वाला झूला है ये कंप्लीट हो चुका है, और ये कह रहे हैं कि ये परसों इसको 22 तारीख तक चला देंगे। लेकिन ये वाला झूला जो नाव वाला आप देख रहे हैं वो आपको कल से देखने को मिल जाएगा चलता हुआ, लेकिन ये वाला जो झूला है, ये वाला और पीछे ये सिलेम्बो, ये दोनों झूले आपके 2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। सिलेम्बो में यही लोग काम करेंगे, तो पहले ये इसको कंप्लीट करेंगे, देन उसको कंप्लीट करेंगे। तो ब्लॉग में आप बने रहिए, आइए इसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये भाई ब्रेकिंग डांस है ना? हाँ। तो ये भाई ब्रेकिंग डांस झूले को कंप्लीट कर रहे हैं, और ये आप हमारे पीछे देखिए इस तरीके से यहाँ काम चल रहा है, और यही लोग सिलेम्बो झूला को कंप्लीट करेंगे, जिसका सामान पीछे हमारे बिखरा पड़ा है। लेकिन आप देखेंगे मैं इसके ऊपर आ गया हूँ एकदम टॉप पे, हमारे पीछे देखेंगे आपको बहुत नीचाई दिखाई, नीची मतलब धरातल वो बहुत नीचे दिखेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए। और पीछे आप देखेंगे मेरे एक अलग ही माहौल है, यहाँ पर तमाम वो जंपिंग जपांग वाले झूले लगे हुए। तो भाई इस सीन को देखने के बाद मेरे दिल में एक ही बात आई, तो भाई अभी आप मेरे पीछे देखने वाले हैं कुछ नया। ये जादूगर आ गया है और लग गया है, और यहाँ का आधा काम कंप्लीट हो गया है। जहाँ भी जाओ बस आधा ही काम कंप्लीट मिलता है, और इनका भी 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। भाई साहब ने तमाम जगह म्यूजिक सिस्टम तो अरेंज कर दिए हैं, लेकिन जो सामने स्टेज है वो आप देखेंगे
वो थोड़ी सी कमी उसमें रह गई है। और भैया हमारे पीछे बैठे हैं, ये लोग भी इधर लगे हुए हैं, इन्होंने ये सब लगाया है जादूगर। और यहाँ पे ये देखेंगे बच्चों वाली बाइक, और देखेंगे वो पीछे बड़े वाले झूले की पालकी, ये ना अभी अभी बिल्कुल टॉप पे जाएंगी ऊपर। तो आज का हमारा इधर का तो व्यू सिर्फ इतना ही यही रहने वाला है, बकाया मैं आपको उस साइड का दिखाता हूँ व्यू कैसा है। यहाँ पर तो अभी तैयारी चल रही है, वो देखिए इसको घुमाने के लिए पुली और टायर्स और तमाम चीज़ों का प्रयोग किया गया है। वो सामने एक बंदा हमको बुला रहा है, वो हमारा दोस्त है, हमसे कह रहा है ए हीरो इधर भी बना ले आके, पता चलो इन्हीं को बना लेते तो हमारे सुरजीत और प्रशांत भाई दोनों डटे हुए हैं और इन्होंने ये रेलवे ट्रैक पूरा कंप्लीट किया। इसके बाद ये पेंट वेंट का काम पता नहीं कौन करता है, लेकिन अभी ये नट बोल्ट खींचने का काम इन्हीं का है। प्रशांत और सुरजीत भाई और दो भाई हमारे इधर भी देख रहे हैं हमको, आखिर चल क्या रहा है, उनके मन में चल क्या रहा है। तो आप देख रहे होंगे इस झूले वाले एरिया में जो इधर फोटो वोटो की कुछ दुकानें लगती थी, उनमें से फोटो की दुकानें अन्य दुकानें लग रही हैं। और ये हमारे बीसलपुर के सबसे प्रसिद्ध चीज़ आलू, ये भी लग गए हैं। पीछे आप देखेंगे जो रामलीला वाला ग्राउंड है, इसमें पूरे में ठेले ही ठेले फैले हुए हैं। और यहाँ कल से बताया जा रहा जो पहली लीला है वो कल से होगी, और कल गणेश पूजन होगा। देवताओं में सर्व पूजनीय जो हमारे मुख्य पूजनीय हैं वो गणेश जी हैं, और उनकी पूजा कल से यहाँ पर होगी, कल पूजा होगी, उसके बाद में मेला शुरू होगा। ग्राउंड फिलहाल अब सूना सूना सा नहीं लग रहा है, और ये ऊपर जाने के लिए जीने लाकर डाल दिए गए हैं। सामने आप देखेंगे तैयारियाँ चल रही हैं, लाइट का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, चारों तरफ लाइट लग चुकी है। आइए चलते हैं उस वाले एरिया में जिधर दुकानें लगती हैं। जय भोलेनाथ। तो आप इस एरिया में देखेंगे जो हमारी आलू वाली दुकान है वो लग चुकी है। एक ये दुकान जो इस स्पॉट की सबसे फेमस आलू के मामले में दुकान है वो ये वाली दुकान है, हमारी पसंदीदा जगह यही है आलू खाने की। तो ये वाली दुकान तो लग चुकी है, बकाया एक फ्रंट पर भी लगती है, और इधर भी कुछ दुकानें लगती हैं, वो धीरे धीरे लग गई हैं। एक दुकान तो लग गई है, इधर वाले एरिया में भी दुकानें लगना शुरू हो गई हैं। ये ज़मीन बराबर कर दी कुछ लोगों ने, तो दुकानों का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर लिया है, बस अभी तक उनमें सामान नहीं रखा है। आप देखेंगे पीछे भैया हमारे डटे हुए हैं, ये भैया ये भी डटे हुए हैं, और उधर कुछ हमारे मित्रगण खड़े हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है ताकि मेले को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। मेला कमेटी अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है, और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी शिद्दत और अपनी जान लगाकर डटे हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये मेला एशिया में फेमस है, क्योंकि यहाँ कई बार सच में रावण मर चुका है। और यहाँ की जो रामलीला है वो इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो रावण के किरदार से प्रसिद्ध हुई है। और हमारे यहाँ के मेले का जो कवि सम्मेलन है वो भी भव्य होता है, लेकिन इस बार जो रासलीला वाला ग्राउंड था वहाँ ना तो रासलीला होगी और ना ही कवि सम्मेलन होगा, वहाँ का स्थान सीधे परिवर्तित कर दिया गया। इस एरिया में हमारे पीछे वाला एरिया है वहाँ परिवर्तित कर दिया गया है। आप देखेंगे दुकानें तो फिलहाल लगभग लग चुकी हैं। एक ग्रीन वाला आपको बोर्ड दिख रहा होगा, इसी एरिया में पीछे की साइड जहाँ पर पहले पत्थर और बांस की दुकानें लगती थी, उस एरिया में इस बार रासलीला और कवि सम्मेलन होगा, क्योंकि स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। मैं पहले भी ये वीडियो भी बना चुका हूँ इसके ऊपर पूरी, कि स्थान क्यों परिवर्तित किया गया वो सामने देखेंगे आप। मंच बन रहा है, उधर ट्रैक्टर वैक्टर खड़ा है, पूरा मंच की तैयारी चल रही है और दुकानें भी लग गई हैं। उधर मैं आपको दिखाने जा नहीं रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर अभी सिर्फ दो ही दुकानें जलेबी की लगी हैं, जो मैं लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ। फिलहाल जलेबी की दुकानें जिस रूट पर लगती हैं वहाँ जलेबी की दुकानें लगना शुरू हो गई। लास्ट वीडियो सिर्फ एक सॉफ्टी की है, वो आपको दिखाकर मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। अरे सर आइए मिलिए हमारे दोस्तों से, इनका मेले पर पूरे मेले पर आतंक रहता, देखिए देखते ही बाल चबाने लगे। दो उधर से आ रहे हैं जिनकी बात मैं भी पहले कर रहा था, वो देखो एक डिसलाइक का निशान दिखा रहा है। चलिए तो हम बात कर रहे थे यहाँ की, तो ये सॉफ्टी कॉर्नर पर हमारी एक मशीन स्टार्ट हो गई है जहाँ सॉफ्टी मिल रही है, लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक भैया थे वो बहुत तेज़ी से हंस रहे थे क्योंकि मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। बट कौन, अरे भाई साहब बड्डे खिला रहे हो क्या? चलो कल था। अच्छा कल था हम, अरे पार्टी आज दे रहे ना, पार्टी आज दे रहे क्या?
क्या वो उसे नहीं भाग रहा है, वो दे देगा तुम्हें, पता अंदर से बहुत हिम्मती है वो। ब्लॉग मतलब होता है एक टाइप की वीडियो, वीडियो आप जानते ही हैं। हम मेले की गतिविधियों को दिखाते हैं अपने चैनल पे। तो इसी रोड गतिविधियां चलेंगी या अंडरग्राउंड? मैं अंदर होके, मैं अभी अंदर होके इस रोड पे आया हूँ। जेतौर का रोड बहुत चलता है, यहाँ कैसे दिखा सकते हैं भाई साहब? फुल टोपा में। तो गाइस बोरे पीछे दुकान और बीच में ब्लॉग गड़बड़ हो गया था। देखो एक ना कोई आ ही जाता है जो कहता भाई हम भी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर एक मशीन है जो स्टार्ट कर देगी जहाँ से आप सॉफ्टी खा सकते हैं इस समय। और यहाँ पर अभी तो सिर्फ एक फ्लेवर की सेफ्टी मिल रही है, सॉरी सॉफ्टी मिल रही है, और धीरे धीरे यहाँ पर और भी फ्लेवर की सॉफ्टी मिलेगी। उसके साथ साथ गुड़िया के वाल हैं और तमाम चीज़ें, फ्रूट चॉट है वो भी आपको मिलेगी। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मेले में आप इंजॉय करने वाले हैं। तो अभी तक आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो फेसबुक पर देख रहे हो तो सिर्फ आपको वीडियो शेयर करनी है और फॉलो करना है, और यार यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब मारो। हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही एक ऐसी वीडियो देंगे, उसके बाद तो आप बोलोगे चलिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। बाय, जय हिंद। तो कैसी कट रही है?